This video is sponsored by WeGuard. पे, अपने गड्ढे में फंस जाती है जब जब सवाल उठाती है और जयराम रमेश कह रहे हैं कि अब कम से कम आपको इस पर पूर्ण विराम अल्प विराम नहीं पूर्ण विराम लगा देना चाहिए पहले तो सबको दीपावली की शुभकामनाएं दें आपको भी दर्शकों को भी पैनलिस्ट को भी हमें तो डिफेंड करना चाहिए तीन लोगों ने डिफेंड कर दिया हमको पचवाद का हमारे ऊपर भी आरोप है और आरोप का एक सच्चाई सच्चाई है नहीं नहीं अभी तो आप सच्चा नहीं एक नहीं है रहे चिराग पासवान पासवान जी के सुपुत्र हैं परिवारवाद आप ये आपका जो सवाल है सबसे बड़ा ये आधा अधूरा है एक्चुअली पूछो कैसे देखिए ऐसा है जो बीजेपी बात करती है ना वो भ्रष्टाचार की बात करती है और परिवारवाद की बात करती है हुँ, हुँ. तो मैं जो इसको समझता हूँ या जनता इसको समझती है इसको अकेला अकेला नहीं देखती है अच्छा जनता भ्रष्टाचार से जो पीड़ित है जो संकलित है इसमें हुँ. उस परिवारवाद के खिलाफ है जरूर नहीं वो तो कह रहे हैं कि अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि कमलनाथ नकुलनाथ ना को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे दिग्विजय जयवर्धन को बनाना चाहते हैं उस... और सोनिया गांधी बेटे को पीएम बनाना चाहते। बिल्कुल ये ये सही तो हकीकत है है ना इसमें क्या दिक्कत जो अमित शाह जी ने कहा बिल्कुल सही बात कही नहीं तो रामविलास पासवान चिराग पासवान को नहीं बनाना चाहते इसीलिए मैंने कहा इसको पूरा आधा अधूरा है आपका मामला अगर भ्रष्टाचार कपल्ड परिवार है तो वो परिवार जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है प्लीज अंडरस्टैंड लेकिन अगर राजनाथ सिंह जी का बेटा पंकज सिंह अगर एमएलए बन के आते हैं तो वो परिवारवाद पर कभी अटैक नहीं किया है और हुँ. ना करेंगे हुँ. लेकिन भ्रष्टाचारी परिवार अगर होंगे तो उस पर अटैक किया जाएगा वो लोकतंत्र में देश के लिए खतरा है नंबर वन नंबर टू जब भी हम अटैक करेंगे नेहरू गांधी से परिवार शुरू होगा अच्छा तो एक उस उस भी भी आऊंगा आऊंगा ना नेहरू से पहले शुरू कर दू ना नेहरू इंदिरा राजीव राहुल तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो मामला चलेगा यह सत्ता अंतरण हस्तांतरण जो होगा कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो अपने मुख्यमंत्री बेटे को ताज रख दू उस परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी भी, भी है और तो जनता जल सोने लाल पटेल की राजनीति कौन संभाल रही है पटेल है वो तो बेचारे स्वर्गवासी हो गए अनुप्रिया नहीं माता जी कृष्णा पटेल किसने पार्टी अच्छा एक बार बताइए गर्मा जी किसने पार्टी बनाई थी उनके पिताजी ने पार्टी बनाई थी उनके बेटी का हक नहीं है लेकिन बेटी में का हक नहीं है किसका मत और यही हम बहस कर रहे के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वोटर हीटर्स के संग वी

दिग्विजय सिंह अपने बेटे को बनाना चाहते बनाए? हैं हाँ। बनाए? कब उस, करें? नहीं उसी पर तो आक्षेप है। ना, ना, आक्षेप ना को अकेला नहीं देखेंगे अभी उसको और अभी जब आगे लेक्चर आएंगे प्रधानमंत्री जी के और अमित शाह जी के आप देखेंगे कि वो जाके दोनों इश्यू मिक्स हो जाएंगे भ्रष्टाचार एंड परिवार तो फिर एक और एग्जाम्पल पर जवाब दीजिए जी अजीत पवार एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सूटेबल है इसमें भ्रष्टाचार भी है और परिवारवाद भी है अजीत पवार ने मैंने कई कई बार बताया आपको, बार बताया बताया आपको कोई चार्जशीट नहीं कोई नहीं कहीं कुछ नहीं अजीत पवार पे नहीं, वो तो सत्ता में शामिल होता ही रुक जाता है ना। नहीं ऐसे नहीं रुकता जी ऐसे इन्वेस्टिगेशन रुक ले जाए सारे रुकवा ले ऐसे नहीं रुकता प्लीज इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई एविडेंस नहीं मिलेगा तो चार्जशीट फाइल नहीं होगी तो प्रधानमंत्री जो जनसभा में रैली में सत्तर हजार करोड़ का घोटाला कह कह देते देते हैं हैं वो हवा में कह देते किसी इंडिविजुअल इंडिविजुअल पे नहीं 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 क्राइम नेशनल करप्ट पार्टी ये एनसीपी होल एनसीपी में कितने लीडर हैं तो शरद पवार कौन किसने क्राइम किया किसने क्राइम किया वो इन्वेस्टिगेशन तो शरद पवार पर तो कोई केस नहीं है क्या बात अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले का अजीत पवार का, केस तो है कम से कम अजीत पवार का जो केस था मैंने फिर कहा दोबारा कहता हूँ कि उसमें कोई एविडेंस नहीं मिला और चार्जशीट नहीं है हमके खिलाफ एनसीपी में एन सी पी बता हूँ प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ है शरद पवार के प्रफुल खिलाफ प्रफुल प्रफुल। चल रही है आप से ले प्रफुल 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 है प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट में अब इसको कैसे मिक्स की अगर मेरे खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन तो आप अलायंस मत करिए ये कैसे हो जाएगा वो डेमोक्रेटिक राइट है इसी तरह अगर मैं किसी पॉलिटिशियन का बेटा हूं तो मैंने पाप कर दिया या गुनाह कर दिया क्यों नहीं मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा तो या 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 क्यों नहीं मैं चुनाव ना, ना, सी ये मामला इतने आसानी मान के और जनता इसी एंगल से देखती है <laughs> अब जैसे लालू परिवार की बात आ जाओ बुरा मंत्र मान ना सकते यादव जी लालू जी ने अगर कोई भ्रष्टाचार में जाने अनजाने में इन्वॉल्वमेंट हुई तो वो भ्रष्टाचार है लेकिन तेजस्वी का अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है वो आए जीत के आए एक बार आए दो बार आए चार बार आए यही तो ये सब लोग कह रहे हैं और बीजेपी भी यही कह रही है नहीं तो प्रफुल्ल पटेल आप कह रहे हैं कि उन पर चार्जेस है प्रफुल्ल पटेल पर चार्जेस है अदिति तटकरे पर भी चार्जेस है छगन भूजबल हाँ, तो उनको साथ लेना ये आपको पॉलिटिकल अलायंस अलग है इन्वेस्टिगेशन अलग, अलग है भ्रष्टाचार और इन्वेस्टिगेशन अलग हिस्सा है चार्जशीट अलग है देखो ये तो पॉलिटिकल रैली में झूठ चलता है क्या बस इतना झूठ हाँ। बोला कौन सा झूठ बोला किसने झूठ बोला जो सत्तर हजार करोड़ का घोटाला नेशनल करप झूठ नहीं बोला बिल्कुल नेचुरल करप्ट झूठ नहीं बोला एनसीपी पे सत्तर हजार करोड़ के एलिगेशन है और वो तो कौन एक वो भी कहते रहे चक्की पीसिंग पीसिंग तो क्या दिक्कत है

निर्मला सीतारामन ज्योतिरादित्य सिंधिया सब कैबिनेट में डायनेस्टी पॉलिटिक्स से आए कि नहीं है इसलिए डायनेस्टी पॉलिटिक्स पहले एमपी बने कि नहीं बने नहीं। तब मिनिस्टर बने ना टिकट मिला एमपी का ओ, पार्टी से देखो हम हम उनके साथ खड़े वो हमारे साथ खड़े और बीजेपी भी हमारे साथ भी खड़ी है उनके साथ भी खड़ी लेकिन जब करप्शन आएगा जब ट्रांसफर डायनेस्टी की तरह तो होगा तब जाके एतराज है बीजेपी को अच्छा ये सब कर ये सब चीजें तब उसके साथ कप्पल डे बार बार इस बात को कह रहा खाली परिवारवाद को ना कोई रोक सकता है ना किसी ने रोका है और ना रोकने की इच्छा रखता है आप चुनाव जीत के आएंगे एमपी बनेंगे तो मिनिस्टर बनेंगे नहीं तो नहीं बन पाएंगे प्लीज इसलिए चीजों को जनता समझती है और उसी के तरीके से हम सब जाने की कोशिश कर रहे हैं बाकी जनता के हाथ में जनता बालिक अगर परिवारवाद से इतनी है तो क्यों तेजस्वी यादव को जिता है तो ये ट्रांसफर तो यहाँ भी नजर आ रहा है कौन सा ट्रांसफर है आप बताइए कौन सा रामविलास पासवान के बेटे ने ट्रांसफर किया कि नहीं किया रामविलास पासवान ने बेटे को ट्रांसफर किया कि नहीं किया बिल्कुल किया लेकिन उनकी काबिलियत के साथ किया मैंने आपको राहुल गांधी नाकाबिल है नहीं मैंने कब ने कहा कि राहुल गांधी ना जीत के आए चुनाव जीत के आए हैं बिल्कुल कौन बने भी अध्यक्ष तो 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 हम बिल्कुल और दोबारा क्लियर करते हैं ट्रांसफर जो होगी पीड़ित वंशवाद जो एग्जेक्ट वर्ड है वंशवाद अगर डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है भ्रष्टाचारी परिवार डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है हमारा यह मानना है इसको इस तरीके से लेना चाहिए और जनता इसी तरीके से लेती है अदरवाइज किसी को नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं ए के वजपेयी अपना परिवारवाद अपना वंशवाद संभालो है बंगाल में कहा जाता है संभालो है आरपी सिंह मुस्कुरा रहे हैं तो कानून बना दीजिए आरपी सिंह देखिए गर्मा बहन आपने वाजपेयी जी की आधी बात पकड़ी है पूरी बात नहीं पकड़ी आपने वाजपेयी जी ने कहा कि परिवारवाद विद क्लब विद भ्रष्टाचार ये जो पार्टियां जो बाकी सब लोग कर रहे हैं मैंने शुरू में अंशुल अभिजीत पार्टी में काम करें पिछले दस साल से मैं ही देखता हूं इनको ये पिछले कई साल से काम करते हैं अब ये ग्रेजुअली प्रोग्रेस करें मेहनत करें कुछ स्टेट में चुनाव जीते हैं जीत खुद लड़े लड़ाए ये तो पार्टी का सिस्टम है परंतु सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राहुल गांधी है वो प्रियंका वाड्रा है इसलिए वह पार्टी के अध्यक्ष होंगे या पार्टी का रिमोट कंट्रोल होगा पार्टी उनके अनुसार चलेगी ये विषय है क्या पार्टी विचार के हिसाब से चल रही है या सिर्फ इसलिए कि परिवार है और परिवार में भ्रष्टाचार है अपने भ्रष्टाचार को कवर करना है इससे पार्टी चल रही है और ये भी कि लालू जी के बाद राबड़ी देवी राबड़ी देवी तेजस्वी यादव जी ये ये है कि नहीं हमने अपने जो ट्रैक्स है उनको कवर करना है और ट्रैक्स को कवर करने के लिए अपने परिवार आगे बढ़ाना है विचार नहीं है तो ये परिवार बार बार ये येदुरप्पा का परिवार आगे नहीं बढ़ता है बी एस येदुरप्पा मुख्यमंत्री रह चुके हैं बड़ा बेटा शिवमोगा से सांसद है छोटा बेटा शिकारीपुरा से विधायक भी रहेगा और संगठन की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभालेगा ये परिवारवाद नहीं ये तो नॉमिनेटेड है आपको नहीं आपको, आपको रिपीट करने की था मुझे भी रिपीट करना पड़ेगा कि उसको कई साल हो गए पार्टी में अलग अलग पदों पे काम करते हुए ये नहीं की आज क्योंकि राहुल गांधी है इसलिए टपक कर बैठ जाएंगे और उसके अलावा कोई नहीं होगा जो अभी प्रमोद किशन ने कहा कि गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस नहीं है ये विषय है कि अगर आपको पार्टी चलानी है उन क्या कह रहे हैं कि अगर पार्टी चलानी है तो राहुल गांधी फेल हो गए इसलिए प्रियंका वाड्रा को प्रियंका गांधी को ले आओ पार्टी के अंदर वह पार्टी ठीक चला लेगी ये आज उनके टग ऑफ वॉर चल रही है परिवार में भी जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर चर्चा होगी वो भी होगा कि टग ऑफ वॉर में कौन होगा प्रियंका वाड्रा गांधी होंगी या फिर राहुल गांधी होंगे ये टग ऑफ वॉर है जो वापस कह रहा हूं यहां पर व्यक्ति अब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है वो पांच साल कोर्स करते, जी, करते है पढ़ाई करता है अगर येदुरप्पा जी का बेटा है पिछले पच्चीस साल से पार्टी में काम कर रहे हैं जेल जा चुके हैं पार्टी में काम करते करते आगे बढ़े हैं ये नहीं कि आज क्योंकि येदुरप्पा जी के बेटे तो कल उनको बैठा दिया जाएगा मैं आज पार्टी में अच्छा, साल एक, और साल और एक बात, अंतिम सवाल अंतिम सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया एक सेकेंड ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के लिए कौन सी मेहनत कर रहे थे मंत्री बन गए ज्योतिलाज सिंधिया जी राजनीति में पिछले कई साल से पार्टी में नहीं कांग्रेस पार्टी में रहे सामाजिक जीवन जी में काम कर रहे थे वो तब वो तब करप्ट थे 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 काम कर तब रहे पॉलिटिक्स की पौध एक मिनट कभी नहीं एक एक में, एक मिनट 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 कभी नहीं कहा कि वो काम कर रहे थे इसलिए वहां पर पार्टी में थे वह राहुल गांधी के विशेष सलाहकार थे उनका लगता था कि नहीं अब वहां पर ठीक नहीं है मामला इसलिए आए और आज पार्टी में फिर काम कर रहे हैं वो वो ठीक है डॉक्टर अंशुल विजेत बहुत छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर अंशुल विजेत परिवारवाद प्लस भ्रष्टाचार इज इक्वल टू नॉन एक्सेप्टेड इन पॉलिटिक्स ये बीजेपी की परिभाषा है नहीं उनकी क्या परिभाषा है मैं नहीं जानता है वो तो स्थायी कुछ है नहीं बदलती रहती है लेकिन समस्या ये है हकीकत यह है कि भाजपा इतनी बेचैन हो गई है इतनी व्याकुल हो गई है कि उनके पास मुद्दा ही नहीं है अब चुनाव आने वाले हैं ये पांच राज्यों में चुनाव है फिर आम चुनाव है एक ए, ए, इंडिया गठबंधन हुआ है उससे इतने परेशान हो गए हैं कि उनको मुद्दे ढूंढने पड़ रहे हैं जातिगत जनगण जनगणना पे उनका कोई मतलब विपरीत सवाल इधर से उधर ये जितने प्रश्न होते हैं उनके वक्तव्य यहां से वहां जाते हैं अनुप्रिया पटेल जी वो कुछ कहती हैं और यहां पर गृह मंत्री जी कुछ कहते हैं और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यहां पर तो जाति प्रथा है ही नहीं पुरानी

जब हम बात करते हैं डायनेस्टी पॉलिटिक्स की परिवारवाद की वंशवाद की भ्रष्टाचार की दूसरे का है तो खराब अपना है तो सब बढ़िया है सब भालू है खैर सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही आप इजाजत दीजिए प्रणाम सबसे बड़ा सवाल दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई वी कार्ड